नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान के घर पर फायरिंग की वारदात, घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। ब्लॉक प्रमुख के पति पर लगाया घटना में शामिल होने का आरोप। बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र के अनहेड़ा गाँव का मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सोनू कुमार। कौन सा गाँव है? गाँव अनहेड़ा का रहने वाला हूँ जी। ग्राम प्रधान कौन लगते हैं आपके? जो ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार, वे मेरे भाई हैं सगे। आपके साथ जो घटना हुई थी रात, वो क्या है पूरा मामला? ये करीब रात 8:40 की घटना है जी। मैं जैसे ही अंदर से अपने घर से खाना खाया के बाहर निकलने के लिए, जैसे ही मैंने अपनी गैलरी का गेट खोलने की कोशिश की, तुरंत दो आदमी ने आया कि सीधी गोली चलाई। तो मैंने एकदम से गेट बंद करके सीधा मैं ऊपर भागा। ऊपर जाके मैंने जैसे ही ऊपर से अपना दरवाज़ा खोल के देखने की कोशिश करी, तो उन्होंने सीधी ऊपर भी गोली चला दी, जो गोली मेरे जो ग्लेजिंग के शीशे में जाकर लगी और सीधा दीवार में जाकर लगी। एक गोली मेरे नीचे गेट में भी लगी हुई है, नीचे मेन गेट में भी। इस चीज़ की तुरंत जैसे ही मैंने फिर हल्ला मचाया, शोर मचाया, तो तुरंत जो है गाँव वाले भी आ गए, वे भाग गए। भागने के बाद फिर मैंने जो है पुलिस को तहरीर दी। तहरीर देने के बाद मैंने उनका जो पुलिस वाले को पूरा वाक्य इसी तरीके से बताया। मेरे घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसकी रिकॉर्डिंग और उसकी फुटेज और जो तुम्हारा गोली चली उनके खोके वगैरह, वो सब मैंने जो है थाने को उपलब्ध करा दिए हैं। और मैंने पूरा वाक्य, पूरी घटना उन्हें सेम इट इज बता दी है। कितने राउंड फायरिंग हुई थी? सर करीब 4-5 राउंड फायरिंग हुई थी। तो आपके भाई ग्राम प्रधान हैं, वो इस वक्त कहाँ पर थे? मेरे जो ग्राम प्रधान हैं, जो भाई हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने 3-4 दिन पहले ही मुझे जो है इस चीज़ की सूचना दी थी कि जो ये आदेश चौधरी जो ब्लॉक प्रमुख पति हैं, इन्होंने जो है एक लड़का गौरव है, गौरव सिरोही सैदपुर का, उसका भाई है टीटू सिरोही, और एक लड़का है अरुण तिबड़े का रहने वाला, तो इनको जो है 20 लाख रुपये देने की बात की थी कि इसे मेरे रास्ते से हटा दो, राजनीति में जो है ये मेरे सामने अड़ रहा है, राजनीतिक ईर्ष्या के कारण वे उसे मरवाना चाह रहे हैं लंबे समय से। और जो के नाम है, 4-5 दिन पहले ही उन्होंने मुझे पूरी वाक्य बताई ही, और उन्होंने थाने में भी जो है बीच बीच में संपर्क करके बताई है ये बात। तो इसी उन्होंने कहा था सचेत रहना, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि इस तरीके की घटना हो जाएगी। और हो सकता है सर ये घटना भी इस तरीके से हुई है, क्योंकि उन्होंने मेरा चेहरा मेरे भाई से मिलता थोड़ा सा, तो उन्होंने मुझे प्रमोद प्रधान समझ के ही जान से मारने की नीयत से सीधी गोली चलाई थी। तो आपको प्रधान जी को मरवाने के लिए किसने सुपारी दी थी? प्रधान जी को मरवाने के लिए जी ये आदेश चौधरी है, ब्लॉक प्रमुख पति, तो वो पैसे दे रहा है मरवाने के लिए। इसकी आपने तहरीर थाने में दी है अभी? नहीं। हाँ जी, इसकी तहरीर भी मैंने थाने में दी है, और मैंने पूरे वाक्य इस तरीके से बताया। पुलिस घटनास्थल पर आई है भी नहीं आई है? पुलिस रात भी घटनास्थल पर आई थी, और जितने भी जगह पर ये गोली लगने के निशान हैं और जो उनके खोखे पड़े हुए हैं, उनको सबको चौक से चिन्हित करके पूरी वीडियो बनाई गई है, और सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सब चीज़ मैंने उनको उपलब्ध करा दी है, और वो इस चीज़ पे जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी सुबह भी जो है वे आए हैं एक बार देखने के लिए घटनास्थल पे, और मेरी बस पुलिस से ये गुजारिश है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे दोषियों के खिलाफ, जिससे कि ये इतनी बड़ी घटना दोबारा ना हो सके। कल दिनांक 21 नवंबर 2024 को रात्रि तकरीबन 8:30 बजे थाना क्षेत्र अगौता के ग्राम अनेड़ा में वर्तमान ग्राम प्रधान के घर पर कुछ लोगों द्वारा हवाई फायरिंग की गई। घटनास्थल का निरीक्षण सभी सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया है, एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रधान पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मुकदमे में नामजद लोगों में वर्तमान ब्लॉक प्रमुख के पति का भी नाम था, जिसमें प्रथम दृष्टया जाँच में उनकी मौके पर उपस्थिति एवं संलिप्तता नहीं पाई जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।